Hello guys, welcome or welcome back to my channel, myself Ishita. So guys, today I'm gonna tell you how to do contouring and how to use contour and concealer. तो guys, सबसे पहले जान लेते हैं कि हम contour और concealer use क्यों करते हैं. तो guys, contour concealer एक तरह का contour एक तरह का shadow होता है जो हम अपनी skin पे बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी skin पे हमारे nose जो कभी कभी कुछ लोगों के broad होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके nose पतले दिखें, तो उसके लिए हम contouring करते हैं. और हमारा कुछ लोगों के चीक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें थोड़ा अपने चीक्स को पतला दिखाना होता है, तो उसके लिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं. कॉन्टोरिंग इन द सेंस हम एक शेडो बनाते हैं जिससे हमारी स्किन नोज़ चीक्स ये सब पतली दिखने लगती है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्टोरिंग हम क्यों करते हैं. ये तो मैंने बता दिया आपको, अब मैं बता दे रही हूँ कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं कॉन्टोर एंड कंसीलर. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइज, अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं कॉन्टोरिंग के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करूँगी और कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. तो गाइज़, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 का वंडर स्टिक. गाइज, इसमें आपको कॉन्टोर और कंसीलर एक साथ मिल जाएगा. और ये मैंने ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम से, यूज़र नेम ग्लैम गॉडेस 54321. गाइज, अब जाके वहाँ से ऑर्डर करो, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे आपको, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. तो गाइज़, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप जाओ, उन्हें फॉलो करो और आप जाके प्रोडक्ट्स मंगवाओ और मुझे बताओ कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं या नहीं, मेरे को कॉमेंट करके बताओ. तो गाइज़, अब मैं बता दे रही हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है. गाइज, ये वंडर स्टिक कुछ ऐसी रहेगी, आपको इस साइड मिलेगा कंसीलर और इस साइड मिलेगा कॉन्टोर. जो कॉन्टोर होता है वो थोड़े डार्क शेड में होता है, कंसीलर थोड़ा लाइट शेड में होता है, एज यू कैन सी. तो गाइज, अब मैं आपको बता दे रही हूँ कॉन्टोरिंग कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं. गाइज, पहले आप कंसीलर को अप्लाई कर लो, आपके जो कहीं डार्क स्पॉट्स हैं जो आप उसको हाइड करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर कंसीलर को अप्लाई कर लो इन दिस वे. मैंने हाईलाइट कर दिया अपने नोज़ को, हाईलाइट कर दिया. अब हमें यूज़ करना है कॉन्टोर. तो गाइस, कॉन्टोर हम लोग यूज़ करते हैं इस एरिया में इन दिस वे कि आपका जो आईबॉल है वहीं तक हमें लाना है. आपको एक, आप ऐसे करोगे तो आपको एक हॉलो दिखेगा इन दिस वे. और गाइज, हम यहाँ पे फोरहेड पे अप्लाई इसलिए करते हैं, कुछ लोग के फोरहेड बहुत बड़े होते हैं, आप उनको छोटा दिखाना चाहते हो तो आप अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर सकते हो इन दिस वे. और गाइज, अगर आपकी डबल चिन है, आप अपने डबल चिन को हाइड करना चाहते हो, तब आप कॉन्टोर का यूज़ कर सकते हो इन दिस वे. अब गाइज, आपको करना क्या है, जो आपने यहाँ पे कॉन्टोरिंग की थी वहाँ पे आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ब्लेंड करना है इन दिस वे. दिस वे, एज यू कैन सी द डिफरेंस. और गाइज, जो आपने अपने फोरहेड पे अप्लाई किया था उसको भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है इन दिस वे. और गाइज, जो आपने यहाँ पे अपने अप्लाई किया था आपको उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है इन दिस वे. अब गाइज, मैं आपको बता दे रही हूँ कि नोज़ कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं. गाइज, अपने नोज़ के पास से आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक शैडो बना लो इन दिस वे. और आप इसको इस साइड ब्लेंड कर लो,
आप इसको अपने हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो इन दिस वे। फिर जो आपने पार्ट को हाईलाइट किया था, आई मीन कंसीलर यूज़ किया था, उस पार्ट को आप थोड़ा मिक्स कर लो। एंड गाइज यू कैन सी द डिफरेंस। और गाइज आपको अगर हाईलाइटर भी यूज़ करना है तो मैं आपको बता दे रही हूँ आप हाईलाइटर कैसे यूज़ कर सकते हो नोज कॉन्टोरिंग के बाद। तो गाइज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बेक्ड का हाईलाइटर, ब्लशर प्लस हाईलाइटर। तो गाइज़ ये भी मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था, मैंने आपको मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप जाके ऑर्डर करो और मंगवाओ। गाइज़ ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आपको मिलेगा। दिस वे तो गाइज ये वाला हाईलाइटर, ये कलर मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा लाइट कलर है। मैं यहाँ पे अपने हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी इसको, इस पर अप्लाई कर लो आप इसको। एंड गाइज़ यू कैन सी द फाइनल लुक। गाइज़ आप देखो कैसे आपके जो नोज़ हैं वो थिक लग रहे होंगे आपको, जो आपकी कॉन्टूरिंग है, लाइक इस एरिया में मैंने कॉन्टूरिंग की है अपने चीक्स को पतला दिखाने के लिए, तो गाइज़ ये सब आपकी पतली हो जाएगी। गाइज़ अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों, मेरे ट्रिक्स अच्छे लगे हों और मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों, तो आप जाके अप्लाई करो और मेरे को कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये ट्रिक्स कैसे लगे, कैसे आपने अप्लाई किया और ये आपसे हो पा रहा है कि नहीं। तो गाइज़ आप जाके कमेंट करके मेरे को बताओ। और गाइज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइज़ अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए, आप चाहते हो कि मैं कोई और कुछ और वीडियोस लाऊं, या आप चाहते हो, आप कोई चीज़ें चाहते हो जो मैं वीडियोस बनाऊं जिस पे, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ तो मैं वीडियोस लेके आऊंगी उसके ऊपर। और गाइस अगर अभी तक आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो जाओ जल्दी से बेल आइकन को भी क्लिक करो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे क्या होगा कि आपको मेरी नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी और आप मेरे वीडियोज़ देख सकोगे। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।